सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो एवरीवन, टुडे आई एक्सप्लेन एलसीएम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली फुल फॉर्म एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब हम इसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्यों आस्क करते हैं ये भी हम आज सीखेंगे। फर्स्टली क्वेश्चन गिवन है आपको 4 8, तो सॉल्व इट 4 8। अब वॉच करना है, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? कौन सा नंबर है? इवन नंबर। ओके, 4 और 8 कौन से नंबर है? इवन नंबर। अब हमें देखना है ये कौन से टेबल में आते हैं। 2 3 4 5 6 4 के टेबल में आते हैं। ओके, बट 2 के टेबल में भी आते हैं ना। हमसे क्या आस्क किया है? लोएस्ट मींस छोटा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 के टेबल से, राइट? 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में। सो राइट 2, देन 2 के टेबल में 8, यस 4 टाइम, राइट 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, 2 वन जा 2, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में। सो राइट 2, अगेन 2 के टेबल से करेंगे 1, राइट एज इट इज 2 के टेबल में 2 1 टाइम। ओके, क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया क्या आया? 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया क्या आंसर आया? 8। ओके, व्हाट विल कम? 8। बट हम इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्यों बोलते हैं? इधर देखना, एग्जांपल में ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ये मैं ओनली आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि आपको क्यों बोलते हैं। ओके, हम इसमें कॉमन वॉच करेंगे, क्या आ रहा है कॉमन? 8 कॉमन है। ओके, नेक्स्ट इज 24 कॉमन है, 16 कॉमन है, नेक्स्ट 32 कॉमन है। ओके, हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है? 8 16 24 और 32। ओके, ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स है, बट हमसे क्या आस्क किया है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ओके, तो हमारा लोएस्ट भी इन सब में छोटा कौन सा आ रहा है? हमारा 8, इसलिए हम इसको क्या आस्क करते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन तो है लेकिन इसमें स्मॉल कौन सा है? 8। देखो हमारा आंसर भी 8 ही आ रहा है। ओके, अब ध्यान रखना कि हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्यों बोलते हैं। आपको टेबल राइट नहीं करना है, ये ओनली आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्या दिया आपको, 3 और 5। 2 के टेबल से होगा? नहीं होगा, 2 के टेबल 2 तो इवन होता। अगर यहाँ इवन नंबर होता तो हमारा 2 के टेबल से इजीली सॉल्व होता, बट यहाँ नंबर हमको कौन सा इवन है? ओड नंबर। अब वॉच करो, कौन सी टेबल से सॉल्व होगा? 3 के टेबल से, यस, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है और 5 दिया है, तो ये कौन सा?
क्या हो गया, 3 × 5 = 15 आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर 10। इसी टाइप से हम ऑल ऑल क्वेश्चन